इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहा है, भले इसे भक्त सही समझे या ना समझे, पर यह सच है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई तीर नहीं मारा है। भले ही हमने भारतीय मीडिया के जरिए दुनिया को जीत लेने की बात कही हो, पर हम जमीन के और अंदर धंसते जा रहे हैं। भारत की मईशत पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, कई लोग बोल भी चुके हैं। ताज्जुब तो इस बात पर भी है कि अंध भक्तों की भी नौकरियां चली जाने लगी है। सुबह शाम मोदी के गुणगान करने वाले मीडिया वालों के भी बुरे दिन शुरू हो गए। कई सारे चैनलों से मुलाजमीन की कटौती जारी है, पर प्रधानमंत्री मोदी हर भाषा में सब कुछ ठीक है का नारा बोस्टन में हुए हाउडी मोदी इजलास में दे रहे थे, और भारतीय खुश हो रहे थे कि मोदी ने तो भारत का नाम विदेशों में भी रोशन कर दिया। यहाँ तक कि ट्रंप ने मोदी की भी तारीफ की और पाकिस्तान को तो हमने चारों खाने चित कर दिया। पर हकीकत यह है कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों को भी बेवकूफ बना रहे। मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रंप की सरकार, वही ट्रंप ने कहा कि मोदी बहुत ही ताकतवर शख्स है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रंप बड़ी चालाकी से दोनों को खुश करता नजर आ रहा है। अगर पुरानी तारीख उठाकर देख ले तो अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में पाकिस्तान को हमेशा पैसों की मदद करता रहा है, एक दूसरे को लड़ाकर अपना फायदा, यही अमेरिका की पहले से ही रणनीति रही है। रशिया के खिलाफ तालिबान को खड़ा करने वाला खुद अमेरिका ही तो था। वैसे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ही अमेरिका है। उसे अपने हथियार बेचने होते हैं तो वह जंग जैसे हालात बनाता है या तो फिर जंग ही करवा देता है। यही बात बड़ी रोशन है कि अमेरिका कभी भारत का हिमायती नहीं रहा। अगर आज ट्रंप भारत को नजदीक महसूस हो रहा है तो यह महज एक धोखा है। अक्सर देखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक ट्रंप ने कई बार उड़ाया है, जो विदेशी मीडिया में छाया रहा। भारत की मीडिया तो उसे नहीं दिखाती, यह और बात है कि क्योंकि गोरे लोग हमेशा धोखे से काम करते हैं। वही पाकिस्तान की भी हालत है, ना तो ट्रंप तालिबान की बात कर रहा है और ना ही कश्मीर पर बिचौली की बात कर रहा है, पर भारत और पाक को लग रहा है कि अमेरिका हमारे पास ही है और यही पैंतरा ट्रंप की जानिब से खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े इजलास का एहतमाम कर रहे हैं, ये एक युद्ध की नीति है, जबकि देश की मईशत डूब रही है। लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पर प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ बड़े ही खुश होकर भारत में सब कुछ ठीक है का नारा दे रहे हैं। ट्रंप ने आखिर मोदी के इजलास में क्यों शिरकत फरमाई? क्या वाकई मोदी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ चुका है? इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि विदेश सफर में 11 अरब रुपए खर्च करके अब तक कुछ भी निवेश भारत में लाने में नाकाम रहे हैं। हमारी विदेश नीति नाकाम साबित हो चुकी है, पड़ोसियों से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, यहाँ तक कि नेपाल में भी मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। खैर, भारतीय मीडिया और मोदी वक्तों को बात हजम ना हो रही हो, पर यही सच्चाई है कि हाउडी मोदी इजलास के बाहर हजारों की तादाद में मोदी के कश्मीर पर फैसले का विरोध किया गया। जंग के मैदान अलग अलग होते हैं। पहले फौजी आमने सामने आकर तलवारबाजी घुड़सवारी के जरिए जंगे लड़ी जाती थी, एक दूसरे की गर्दनें मारी जाती थी। वक्त बदला तो जंग के तरीके भी बदल गए, अब जंग मीडिया और साजिशों से लड़ी जाती है। भारत और पाकिस्तान को बेहतरीन मिसाल साबित हो सकती है। पाकिस्तान और भारत की जंग अमेरिका में लड़ी जा रही है और दोनों को लड़ाने वाला तमाशा देख रहा है। उसे दोनों देश लड़कर खत्म भी होते हैं तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़ते भी हैं तो हथियार भी तो इसी से खरीदते हैं। दोनों देशों को आमने सामने खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप हर लिहाज से फायदे में है। ह्यूस्टन अमेरिका में भारतीयों की तादाद 50,000 के करीब है और चुनाव के मद्देनजर ट्रंप ने अपना फायदा उठाया है। मोदी ने बड़ा इजलास मुनक्कद करके, जिसमें ट्रंप की रजामंदी भी है, पाकिस्तान का नाम ना लेकर अपनी बात कही, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी विचारवंत यानी कि इल्मी दानिश्वरों और थिंक टैंक के सामने कश्मीर में भारत की ने कैसे हालात पैदा किए हैं इसे समझाने की कोशिश की। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि रोजगार, मईशत, बेकारी, गरीबी कुछ भी मसला नहीं है, अगर है तो सिर्फ कश्मीर है।
और भारत में भी यही मामला है। कारोबार डूब चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, बैंक बंद हो रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, जीडीपी जमीन में धस रहा है। लेकिन यह मसला नहीं है। अगर भारत का मसला है तो हिंदुत्व खतरे में है। भव्य मंदिर की तामीर है, गांवों के नाम बदलना है, गोरक्षा असल मसला है। लिहाजा अमेरिका भी यही चाहता है कि दोनों किसी तरह से आपस में लड़ते रहे और अपना अपना रोना लेकर अमेरिका के दरबार में जाए। दोनों अमेरिका में हैं, मोदी और इमरान अपने अपने तौर पर बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी ओर ट्रंप अपने मन ही मन में कह रहा होगा कि ये हमने तो दोनों को बेवकूफ बना दिया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।